हेलो एवरीवन, चलिए हम झटपट से बना लेते हैं अपनी आलू और स्प्रिंग अनियन की रेसिपी। यहाँ मैंने आलूओं को डाइस करके रख लिया है, ये छोटे छोटे डाइस करके रखा है और मैं इसको पानी में ही रख रही हूँ ताकि ये काले ना पड़ जाए। स्प्रिंग अनियंस को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है और ये दो रेड चिली पाउडर, रेड चिली है, अगर आप चाहो तो ग्रीन चिलीज भी ले सकते हो, बट क्योंकि स्प्रिंग अनियंस भी ग्रीन होंगे और ग्रीन चिलीज भी होंगी इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज को अवॉइड किया और इसके बदले मैंने यहाँ पे होल रेड चिली यूज़ करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों, रिफाइंड, जो भी आपके घर में हो। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें अपने आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग। जैसे ही हमारा जीरा पक जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का कलियां, जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया था। और साथ ही हम इसमें जो रेड चिली से ऐड कर देंगे। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे हम इसमें अपने आलू को जो हमने डाइस करके रखा था वो ऐड करेंगे। मिला लेंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसे ढक देंगे। फ्लेम को लो करेंगे और इसको ढक करके हम अपने आलूओं को पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं हमारे आलू पके हैं कि नहीं पके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं एक आलू को ऐसे प्रेस करती हूँ तो ये थोड़ी सी इसमें कसर बची हुई है। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे अपने स्प्रिंग अनियंस को। हम अच्छी तरह मिला देंगे। स्प्रिंग अनियन बहुत जल्दी पक जाते हैं और क्योंकि हमारे आलू ऑलरेडी पक चुके हैं इसलिए हमने इसमें स्प्रिंग अनियन को मिला दिया है। अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटर नहीं ऐड कर रही क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। तो हमेशा की तरह अपने मसाले की कटारे में से हम सबसे पहले मिला लेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर, और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप इसमें मैगी मसाला मिलाना चाहो तो आप वो भी मिला सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं यहाँ पे मैगी मसाला तो नहीं डाल रही हूँ, बट इसमें ऐड जरूर करूँगी ये किचन किंग मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। खाने में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो चलिए हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसी तरह हम इसको ढक करके और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन हटा के देखते हैं।
तो ये देखिए 10 मिनट बाद हमारे आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। खाने में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए एकदम परफेक्ट स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में ये आलू और स्प्रिंग अनियंस की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।